अब आप सभी को जो महत्वपूर्ण सूचना है दरबार के बारे में वो समझनी। जो एक मॉक ड्रिल किया गया जिसमें आप सब लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, करीब 20-25 हज़ार लोगों से ज़्यादा की भीड़, चारों ओर गांव में रुकना, चारों ओर कई गांवों में और यहाँ भी, तो कोई आपको रिस्क ना रहे, आपके परिवार को कोई खतरा ना हो, इसलिए वो कदम उठाया गया। अब जो दरबार है वो अति शीघ्र खुलने वाला है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसको ध्यान रखना है कि सभी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें, और जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो सब पालन भी उनका हो, ठीक है। तो दरबार जो है, सबसे पहले जो ज़रूरी सूचना है कि आपका दरबार एक जनवरी 2023 से खुल रहा है, पुणे से ओपन हो रहा है, एक जनवरी 2023 से, आने वाली एक जनवरी यानी आज तारीख है 27, 28, 29, 30, 31 और 1, तो एक तारीख से आपका दरबार खुल रहा है। शर्त क्या है उसको समझ लीजिए दरबार आने की। एक तो आपके पास आपका मास्क ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपके पास जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से अभी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है मुख्य रूप से, वो ये कि आपके पास मास्क ज़रूर हो, जब भी आप दरबार में प्रवेश करें, अंदर आएँ दरबार के आश्रम के अंदर, तो आप सभी लोग मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, ये ध्यान रखें। जहाँ पर आप लोग लेटे बैठे सोए, वहाँ पर चूँकि बाहर जैसे हॉल है, माँ कामाख्या हॉल है बाहर, बड़ा हॉल है खूब, जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर आपकी लेटने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो सभी लोग वहाँ पर वहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन अलग अलग गद्दे रहेंगे, एक गद्दे पर एक व्यक्ति रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी शर्त ये है कि छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हों और जो वृद्ध हों, बहुत वृद्ध हों, उनको लेकर के ना आए, और जो असाध रोगी हैं उनको तो लेकर के बिल्कुल नहीं आना, उन्हें घर पे रखना है, या अस्पताल में है तो अस्पताल में रहेंगे, घर में है तो घर में रखेंगे। असाध रोगी उनको टांग के, जिसको आपको सहारा दे के लाना पड़े, ठीक है, टांग के, उसे नहीं लाना है फिलहाल। जैसे आप यहाँ स्वस्थ होते हो, आपका परिवार का वो सदस्य जो बीमार है वो घर पर स्वस्थ होता है, ये सब आपको पता है, तो उसको लाद के लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लाद के लाएँ और उसको आप हवन बिठाएं फिर मेरे समक्ष लाएं, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अभी अगर आप लेकर के आते हैं कोई असाध्य रोगी, तो फिर आपको दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, फिर आपको असुविधा होगी, ये अभी समझ लीजिए। दूसरा, यदि कोई असाध्य रोगी है तो उसकी फ़ोटो आप ला सकते हैं साथ में, ठीक है, उसका पहना हुआ कपड़ा जो उतारा हो उसने धुला ना हो, वो कपड़ा लेकर के आप आ सकते हैं, उससे उसका काम हो जाएगा, ठीक है, तो वो ये आप कर सकते हैं। गेट पर सैनिटाइज़र रहेगा, वहाँ पे आप सैनिटाइज होकर के तब गेट पर प्रवेश पाएंगे, इस पर सब आप सहयोग करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दरबार में भी आप बैठेंगे तो थोड़ा एक दूसरे से अलग अलग, थोड़ा सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम रखेंगे, ठीक है, ये आपकी सब कंडीशन रहेंगी, तो ध्यान देना है, प्रिकॉशन रखना है एक दूसरे प्रति। बाकी दरबार में ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ होगा इसमें इन्फेक्शन, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइन है हमें उसका पूरा पूरा पालन करना है, ठीक है। आपका आत्मविश्वास है, जब आपके अंदर से दरबार मृत्यु का भय हटा देता है एक क्षण में, सेकेंड में, तो फिर ये तो छोटी मोटी बातें हैं। आपका इम्यून सिस्टम वैसे बहुत हाई रहता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रिकॉशन फिर भी आपको पूरा करना है, गाइडलाइन पूरी पालन करनी है। और दीक्षा का कार्यक्रम 6 जनवरी को शुक्रवार को
निश्चित रूप से होगा, जैसे होते थे दीक्षा के कार्यक्रम, मंत्र दीक्षा के, वो आपको 6 जनवरी को है। आपको सभी को 6 जनवरी में आपको 12 बजे दोपहर तक दरबार में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, निःशुल्क किट प्राप्त कर लेनी है, जो आपको हवन करने होते, समूह में बैठ के सामूहिक हवन होता है जो शुद्धि के लिए और सिद्धि के लिए, तो वो आप लोग 6 जनवरी तक दोपहर को 12 बजे तक जरूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 2 बजे से हवन शुरू होगा 6 तारीख को। तंत्र की दीक्षा के लिए जो आवेदन है वो भी 6 तारीख तक दे दें, हर सूरत में 7 तारीख को सुबह तक दे दें, ठीक है, सुबह 10 बजे तक दे दें 7 तारीख को, इससे लेट नहीं करेंगे, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके, जो तंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं उनका भी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। ये ध्यान रखें कि मंत्र दीक्षा लेने वाले लोग आरोग्य का हवन जरूर हो चुका हो उनका, ना हो चुका हो तो यहाँ अवश्य कर लेंगे। वह लोग जो असाध्य रोगी हैं और उनके अभी सब कुछ कार्यक्रम कर लिया, तो वो एक अपना महामृत्युंजय का हवन कर लेंगे, उससे उनको आसानी रहेगी, प्राणों का क्षय रुकता है, तमाम गंदगी बाहर आना शुरू होती है, अंदर से बाहर प्राण निकलना बंद होते हैं, तमाम तरह से आपको पोल्यूशन मिलता है, आपको बल बना रहता है शरीर में, ऊर्जा बढ़ती है। वह एक वैदिक परंपरा है, वैदिक नियम है, तो वो आप इसको करें। तो ये ध्यान रखना है, जो नियम बताए हैं आपको उसका पालन करेंगे, और 1 तारीख को दरबार प्रातःकाल बाबा की आरती से शुरू हो जाएगा। आपसे पूर्व की भांति अभी मुलाकात होगी, आप सभी को दरबार की ओर से, बाबा और माँ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। हरि हर। अगले मंगलवार फिर मिलते हैं।